हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथ मैं आपके बीच फिर उपस्थित हूँ। आइए वन बाय वन सभी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और तैयारी को अपनी मजबूत करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, जतिन एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ है। एक्चुअली मुझे लाभ प्रतिशत बताना है। कैसे बताएंगे? मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 के चीज़ को 10% कम पे खरीदता है, मैंने कितने खरीदेगा? जब 10% कम कर देंगे मतलब 90 रुपये खरीदा गया है। अब कह रहा है कि उसको उसके मूल्य से 10% अधिक बेचता है, 100 की चीज़ जो है उसका 10% अधिक कर रहा है, मतलब कितनी बेचेगा? 110 का बेचेगा, मतलब कुल फ़ायदा कितना ले रहा है उसको? 20 रुपये फ़ायदा हो जा रहा है। किस पे? 90 रुपये पे, गुणे 100 कर लीजिए, 100 कट जाएगा, 100 × 200 / 9, तो 9 × 18, 9 × 18 22 सही, 2/9% ऑप्शन में सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, वन बाय वन आप बने रहे वीडियो में, अपनी तैयारी को चेक करें और तैयारी को मजबूत करें। चले पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें। पुराने वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी और एबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आई बटन की हेल्प से आप और भी वीडियो देख सकते हैं, पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आई बिना लेट के बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊँचाइयों का अनुपात 25:64 है तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। देखिए ऊंचाइयों का अनुपात मतलब क्या? H1:H2 बराबर दिया है 25:64। इसका मतलब H1/H2 का जो मान होगा वो 25/64 हो जाएगा। व्यासों का अनुपात मतलब व्यास को डायमीटर कहते हैं, तो D1/D2 पहले का अनुपात दूसरे से 4:5 दिया है, माने D1/D2 का जो मान होगा कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। डायमीटर मतलब रेडियस का दूना होता है, तो पहले वाले के रेडियस R1 मान के उसका डबल कर दें और दूसरे वाले को भी उसके रेडियस को R2 मान के डबल कर दें, 4/5 होगा। कहने का मतलब R1/R2 का मान 4/5 है, H1/H2 का मान 25/64 है। हमें क्या बताना है? आयतनों का अनुपात, तो V1/V2 निकालना है, माने V1/V2 लिख सकते हैं अनुपात को। V1 चूँकि ये क्या है? शंकु है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। पहले का है 1 लिखा हुआ है तो 1 लगा लीजिए और दूसरे का है तो 2 लगा लीजिए पहचानने के लिए। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1 R2 को मिला दीजिए आपस में, इसको R1 R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही H1 H2 का आपस मिला दीजिए, H1/H2 हो जाएगा। अब ध्यान दिया जाए, R1/R2 मान कितना दिया है? 4/5 दिया है और H1/H2 जो मान दिया है वो कितना? देखिए यहाँ पे 25/64 है। इसे ही सॉल्व करेंगे, आई बीच में कर लें। 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 25/64 है, 25 से 25 कट गया, 16 कम 16, 16 × 64 आंसर आया 1/4, तो आंसर हो गया 1:4। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप बताना है। सम चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन उसका नियम ये होता है इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और साथ में लंबवत होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, बस काम हो गया। पहला विकर्ण अगर छोटा वाला 10 है तो बाइसेप करने में आधा हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। अगर बड़ा वाला 24 है, आधा निकलने कितना बाहर आ जाएगा, एक हमारे पास ट्रेंगल बन गया, त्रिभुज बन गया जिसमें 90 है, एक भुजा 12 है, दूसरा 5 है, तो हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है? 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, ये हमारा कर्ण है,
एक नब्बे वाले को साइड को क्या बोलेंगे, आधार ले लीजिए, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण ही जो है एक्चुअली ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज का जो हमारा है क्या है, ये समचतुर्भुज का भुजा कहलाएगा। ये कर्ण हमारा क्या भुजा है। तो इसे ये मान लीजिए ए का वर्ग बराबर कितना, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 प्लस 25 जोड़ेंगे 169। अगर यहाँ से ए का मान निकालेंगे 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 हो जाएगा। ए का मान 13 आ गया, हमें बताना क्या है, परिमाप। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा परिमाप। तो जो परिमाप होगा कितना हो जाएगा, 4 गुणे भुजा माने ए, 4 गुणे 13 तासुर का 13 चौका 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिना लेट किए आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य बताना है। देखिए अगर हम शुरू में 10 हैं और जिसका माध्य दिया है कितना 4.5, अब कुल तो 40 है, 40 के एक हिस्से में 10 हैं और बचे हुए 30 दूसरे हिस्से में हैं, ठीक है। इसका जो माध्य दिया है 4.5 है, अगर इसमें 4.5 से गुणा कर दें तो 10 प्रेक्षणों का योग आ जाएगा, और इसमें 3.5 से गुणा कर दें तो 30 प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। कितना आएगा ये तो 45 आ जाएगा, ये 10 हट जाएगा यहाँ एक अंक पे जीरो की वजह से, अब 35 से 105 होता है। अगर दोनों को जोड़ दें तो पूरे 40 का योग आ जाएगा, जोड़े इसको कितना होगा 150 होगा। इसमें कितने हैं, 40 लोग हैं, हमें बताना क्या है, माध्य बताना है। तो पूरा योग बटा पदों की संख्या, जीरो जीरो कट जाएगा, 4 3 12 3 0 10 लगाएंगे, 4 3 28 4 5 20। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पी क्यू और आर का अनुपात इस प्रकार से दिया है तो इसका मान बताना है क्या होगा। आइए हम जिस तरह से रेशियो दिया है उसके मान को जो कहते हो हम बदल दें। आइए रखते हैं पी अपान क्यू मतलब 2/3 अनुपाते, क्यू बटा आर मतलब 3/4 अनुपातें, आर बटा पी मतलब 4/2 2 × 2 2×2 4 माने 2/3 अनुपाते 3/4 अनुपाते 2/1। अब करेंगे क्या, पहला लेंगे तो उसके हर को छोड़ के बाकी दोनों का हल ले लीजिए, गुणा करिए 2 × 4 8 8 × 8 ये नियम सब पे लगाइए। 3 लेंगे तो क्या लेंगे, 3 × 4 को छोड़ दीजिए बाकी सबका हल ले लीजिए, है ना। तो 3 × 3 = 9 1 = 9 हो जाएगा। ऐसे ही 2 को लीजिए तो 2 वाले के नीचे 1 को छोड़ दीजिए, इन दोनों गुणा करिए तो 2 × 8 8 × 3 = 24 तुम्हारा आंसर क्या हुआ, 8 × 9 = 24। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि 1/3 factorial का प्लस 1/4 factorial का मान k/5 factorial के बराबर है तो k का मान क्या होगा। फैक्टोरियल रूल होता है तब तक इसको तोड़िए जब तक कि 1 ना आ जाए। आइए हम 3 को रहने देते हैं, लेकिन क्योंकि इन सब में सबसे छोटा 3 है रहने दीजिए। 4 को 4 × 3 factorial कहते हैं बराबर k/5 को 5 × 4 × 3 factorial कहेंगे। 3 factorial दोनों में कॉमन है कर लिया जाए, क्या बचेगा पहले में नहीं तो 1 और दूसरे में 1/4। यहाँ बराबर कितना k/5 × 20 × 3 factorial दोनों कट जाएंगे, लसा 4 होगा, 4 × 4 = 5 k/20 4 × 5 = 20 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा k = 25। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेते हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगे। जैसा आप समझ रहे हैं 9 दिनों से ज़्यादा 12 दिन लगेगा तो निश्चित रूप से गाय संख्या घटेगी, तो कम वाला ऑप्शन होगा, ज़्यादा वाला तो ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। रूल क्या लगाएंगे, कितनी गायें 44 गायें, कितने दिनों में 9 दिनों में, कितनी गायें
नहीं पता कितने कितने दिनों में, 12 दिनों में गुणा कर लीजिए, जितने गाय चरेंगे 12 दिनों में वो उनकी जो टोटल मल्टीप्लाई वैल्यू और शुरू में देते हैं उनके वैल्यू बराबर होंगे, क्योंकि खेत वही है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 3 3 9, 3 4 12, 4 4 4 4 4 4 कितना हो जाएगा x समान 33। जब 33 गाय चरेंगी तब जाके 12 दिन में मन के चर पाएंगे। कुल कितने थे? 44 गाय थी। अब कितने गाय हुई? 33। इसका मतलब क्या हुआ? घट गया। कितना घटा? 44 माने 33 मतलब 11 गाय कम हो गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तैयारी मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।